लॉन्ग टर्म शेयर्स में। और फिर से देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमेशा नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। यस बैंक के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं भी अपने चैनल पे अपडेट कर देना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। और बात करेंगे कि आज उसमें भयानक गिरावट है और किस वजह से गिरावट है और वर्तमान उसके जो डेटा हैं किस प्रकार के हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा मैं अपने चैनल के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको समय समय पर इस बैंक के बारे में मैंने अलर्ट किया है और कई वीडियोज़ बनाए हैं। देखिए, येस बैंक में मची चीख पुकार, 100 रुपये अब दूर नहीं। जब ये 125 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तो उस समय वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैंने कहा था कि 100 रुपये अब दूर नहीं। फिर यहाँ पे अलर्ट किया हुआ था आपको 4 वीक पहले। फिर इसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया था और उसमें कहा था विल येस बैंक बिकम पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ तो 10 रुपये के नीचे जो शेयर प्राइस होती है उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं, लेकिन अगर बाहर के जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वहाँ पे $1 यानी हमारे यहाँ का जो रुपीस है तो 67-68 रुपये के आसपास है, तो उसको पेनी स्टॉक डॉलर के हिसाब से तो पेनी स्टॉक क्या बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मैंने बोला था दो सप्ताह पहले और अब इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये करीब आज भयानक गिरावट पर है और 87 के आसपास। तो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्ट प्राइस क्या है और एग्जैक्ट उसके कितने कैसे रिजल्ट्स रहे। तो बढ़ते हैं इस बैंक की तरफ और हम यहाँ पे NSE के साइट पे हैं और NSE के साइट पे देखिए यहाँ पे 11 रुपए की डाउन साइड, 87 का वर्तमान जो भाव है 12:34 हो चुके हैं और प्रीवियस क्लोज कल यानी ये 98 रुपये 98 पे क्लोज़ हुआ था, ओपन हुआ आज 88 रुपए, हाई गया 90 का और लो बनाया 79 का और अभी 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज है 18 जुलाई 2019 और यहाँ पे अगर हम ऑर्डर बुक में देखते हैं तो देखिए सेलिंग क्वांटिटी समय हो रहा 12:35 की स्थिति 1,23,50,000 समथिंग सेलिंग क्वांटिटी, लेकिन बाइंग क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है 1,36,44,000 समथिंग। तो इस प्रकार से बाइंग भी ज़बरदस्त है और बिकवाली भी हुई है। तो और ट्रेडेड वॉल्यूम्स भी देखिए 14,40,00,000 के आसपास है, भयानक ट्रेडिंग हुई इसमें और काफ़ी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब डिलीवरी की स्थिति मार्केट क्लोज होने के बाद स्पष्ट होगी कि कितनी परसेंट डिलीवरी रही। तो ये स्थिति थी और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके रिजल्ट्स वगैरह भी देखते हैं। देखिए रिजल्ट्स जो आ चुके हैं कल मार्च 19 से अगर हम जून 19 यानी क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2020 के अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट जो अर्निंग थी इनकी जो कमाई है ब्याज से, यहाँ पे जो मार्च 19 में थी 7,856 करोड़ की, वहीं जून 19 में हो गई 7,816 यानी कि थोड़ी सी 0.551% की डाउनसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हालांकि यहाँ पे 48% की अपसाइड है, लेकिन NPA इनका देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है 1% के आसपास और ग्रॉस NPA भी इनका इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट जहाँ यह 1,500 करोड़ का पिछले क्वार्टर 4 में मार्च फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्होंने लॉस दिखाया था 1,500 करोड़ के आसपास का बैड लोन्स के द्वारा प्रोविजनिंग की थी, तो हालांकि इस बार थोड़ी राहत वाली बात है कि 113 करोड़ जून 19 क्वार्टर 1 में फाइनेंशियल ईयर 2020 में 113 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया। ये एक थोड़ी सी राहत वाली बात है, अच्छी बात है कि जहां सीधे लॉस था 1,500 करोड़ का वहीं अब प्रॉफिट में आ गई। ईयर ईयर देखते हैं अगर हम कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर हम चारों क्वार्टर के बाद, तो जहां जून 18 से हम यहां पे 19 जून तो पिछले साल के मुकाबले यहां पे इंटरेस्ट अर्निंग में ऑब्वियसली 18.82% की अपसाइड है, बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हालांकि 20% की डाउनसाइड है और नेट NPA भी यहां पे इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के मुकाबले 2.32% के और ग्रॉस NPA भी इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 91% के आसपास की डाउनसाइड है। तो पिछले साल जून 18 में जो थी 1,260 करोड़ की नेट प्रॉफिट था, इनकी शुद्ध कमाई थी सब कुछ लेने देने के बाद, लेकिन इस साल जून 19 में 113 करोड़ की ही कमाई है, तो 90% के आसपास की डाउनसाइड है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन क्वार्टरली थोड़ी सी अच्छे आए हैं वो राहत की बात है। और
अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो मार्च 19 में जो दिखा रहा है 19.8%, थोड़ी सी घटाई भी है और 3.64% की यहाँ पे होल्डिंग इन्होंने गिरवी रखी हुई है। और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स FIIs हैं, इन्होंने भर रखे हैं ज़बरदस्त 40% के आसपास, 625 FIIs और इन्होंने इंक्रीज़ की हुई है 1.25% के आसपास। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी ज़बरदस्त। अब होता क्या है कि अगर आप जैसे खुदरा ग्राहक अगर सोचते हो कि भाई हम किसी स्टॉक में पैसा डालते हैं और वो नीचे चला जाता है, बहुत लॉस हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, LIC जैसी कंपनी जो हालांकि उसके पास बहुत पैसा है, हम सब पब्लिक का ही पैसा है, तो वो भी शेयर मार्केट में ही लगाती है, तो उसके भी जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी मात खाए। बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें जिसमें भयानक गिरावट है, हर जगह LIC आपको पाई जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए, LIC भी 8.88% की यहाँ पे अलॉन्ग विथ इट्स वेरियस स्कीम्स में करीब 8.5% के ऊपर ही इन्होंने होल्डिंग बना रखी है और इंडिविजुअल्स हैं 13.96%। तो ये स्थिति है अभी फिलहाल इसकी। स्टॉक प्राइस भी बता दिया, रिटर्न अगर हम देखते हैं कि अब रिटर्न कितने बचे हुए हैं तो 10 सालों में 201%, यानी कि अगर आपने 1 लाख 10 साल पहले इस कंपनी में डाले होते, इस बैंक में डाले होते, तो आपको 3 लाख रुपए बन रहे होते, मतलब 200% के रिटर्न। बाकी लगातार यहाँ पे 5 सालों के बाद कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है, इतना भयानक गिर चुका है। अब हम देखते हैं इसका एग्जैक्ट 52 वीक लो। देखिए, आज ही इसने जो है लो बनाया है 79.5 का और 404 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा था पिछले साल। तो 1 साल के अंदर ही इतना ज़बरदस्त इतना गिरा है कि कुछ कहना अब हम कह नहीं पा रहे। हालांकि अभी भी लोगों का भरोसा है कि आने वाले समय में, लंबे समय में लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है इसमें। तो दोस्तों, बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ, लेकिन एक बात ये मैं और कहना चाहूँगा कि अगर जैसे कि मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, जिस प्रकार से मार्केट में लगातार पूरे मार्केट में गिरावट है और मंदी का दौर ऐसा लग रहा है, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कोई भी अछूते नहीं है, सारे पे ज़बरदस्त गिरावट चल रही है। हाँ, जो जिनका बहुत ही कमाल का बिजनेस है, जिनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं, वही थोड़ा सा ग्रीन के निशान पे कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लगातार इसमें गिरावट का पूरे मार्केट में ही जोर शोर चल रहा है। अब ऐसे में ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे हैं तो उनको रख भी लें। देखिए, होता क्या है कि लमसम जो पूरा पैसा कभी मत डालिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि लोगों को जागरूकता आए। अब जैसे यस बैंक में भी बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा होगा, वो सोचते होंगे कि अब इस गिरावट पर और थोड़े ले लें क्या। तो ऑब्वियसली अगर आपको लगता है, अगर आपको इस कंपनी पर भरोसा है, इस बैंक पर भरोसा है और आपका समय 3, 4, 5 साल है, 10 साल है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हर वीडियो में बताया इसके और हर स्टॉक के वीडियो में बताता हूँ कि थोड़ा ही लें, पूरा पैसा कभी मत डालिएगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मार्केट में मिलती रहेगी। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ अभी और टूटने के चांसेस हैं। अभी तो बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो अभी आपको भी अच्छे लेवल पे मिल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहें, ऐसे में स्मार्टली SIP के द्वारा ही आप इसमें जो है महारत हासिल कर सकते हैं। लमसम डालेंगे, पैसा फंस जाएगा, नीचे लेवल पे जाके बैठ जाते हैं स्टॉक्स। तो इस तरीके से मैं आपको यही कहना चाह रहा था और यस बैंक के मैंने रिजल्ट अपडेट कर दिए हैं। बाकी पिछले वीडियो मैंने बता ही दिया था कि कितना डिविडेंड दिया था और कितना कैसा इसका रहा सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी आपको क्वेरीज हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में, या कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।